शायद देखा नहीं बांटी तुमने मिठाई, तुम्हें मेरे पैदा होने पे खुशी हुई हुई थी कि नहीं? क्या क्यों? स्वागत है मित्रों एंड मित्राणियों, मेरी नींद में हो रही है आंखें, जिंदगी भी नींद में है, होश हो आ ही नहीं रहे जिंदगी में, बर्बाद हो चुका हूं मैं पूरा। और अभी जिम जा रहे हैं, नहाया नहीं हूं आज, मैंने सोचा था नहा के स्वागत करूंगा रोज की तरह, और आज नहीं नहाए तो कोई बात नहीं। देख लो आप क्या क्या हुआ दिन भर। तो सुबह की शुरुआत की हमने एक सेब और एक संतरे से, वाह कितनी हेल्दी शुरुआत है ये, नाइस। दोस्तों हॉस्पिटल आया था पर अब वापस घर जा रहा हूँ, शूट नहीं किया मम्मी के पास जाके, इसीलिए नया राइटिंग दिखाऊं, राइटिंग दिखाऊं, जल्दी राइटिंग दिखाओ, राइटिंग दिखाओ अपने, ये देखो दोस्तों क्या राइटिंग है। और ये मुझसे कह रही थी कि मेरी राइटिंग खराब है, बहुत गंदी राइटिंग है भाई इसकी, बहुत गंदी। अरे अपनी दिखा दो, अपनी शक्ल दिखाओ। मैं नहीं दिखा रहा, मैं नहाया नहीं हूँ। तो मेरी दिखा दो। हाँ। तो सुंदर लग, पास से कोई पढ़ नहीं सकता। ठीक ठीक ठीक, बिल्कुल सुंदर नहीं, दूर से दिखा दो, बताओ दोस्तों कमेंट में कौन सुंदर बोल रहा है। बिल्कुल सुंदर। घर आते काम धंधे पे लग गए हूँ, ये देखो कल के बर्तन बाजू में पड़े हुए हैं, और ये अपन ने मसाला मिर्ची निकाल लिया है। आज मैं रोटी बना के नहीं दिखाऊंगा तुम्हें, मेरे को लगता है तुम बोर हो गए थे क्योंकि उस दिन। और ये हमारे दाल चावल नहीं चढ़े हुए हैं ये, और इसमें दाल उबाल रहा हूँ, और क्योंकि शाम को भूख लगेगी ना मुझे, तो तभी ये दाल खाऊंगा। सिर्फ दाल चावल खाता हूँ दोस्तों मैं अकेले घर पे, ये बात पूछना इसका क्या करूंगा मैं। हाँ तो देख लिया, तो अब जा रहे हैं जिम की। और नींद क्यों आ रही है यार, इतनी इतनी नींद क्यों आ रही है? रात में वो भूत के साथ सोता हूँ ना मैं, तो नींद पूरी नहीं हो पाती। दोस्तों ये रहा मेरा जिम, और ये चला मैं आगे जिम की, आगे मैं नहीं जा रहा जिम में, जिम जाए मेरे दुश्मन है। एक दिन तो जिम में आप छुट्टी मार ही सकते हो, और नींद आ रही थी बताया ही था, तुम भी नहीं जा रही। ठीक है, गियर लगा दूं क्या? हाँ गियर लगा देता हूँ मैं ही खुद ही। तो दोस्तों जिम कर दिया है, गोटी जिम की आज तो गोटी हो गई। और हम दो लोग थे जो आपस में शर्तें लगा रहे थे कि देखते हैं कौन पहले स्किप करता है, हमने साथ में कर दी। क्यों? यस चलो अब चलते हैं कहीं घूम के आते हैं। ये आइसक्रीम ठीक है दोस्तों, डब्बा लेने आ गए क्या पता क्या, ये क्या गहराई ज्यादा है इसकी। हाँ और इसकी, ये इसमें गहराई इतनी है। हाँ पर ये और लंबा है। हाँ। तो इतना लंबा नहीं लेना है, देख मम्मी से पूछ। ये ज्यादा लंबा है तो हो जाएगा, पर ऐसा लंबा नहीं है ना। नहीं इतना लंबा ठीक है, क्योंकि वो अपन को जो पैकेट चाहिए ऊपर के ऊपर निकल जाएगा ना, फिर गहराई में तो फिर आपको नीचे से निकालना पड़ता है ना। ये वाला कर ले ठीक है, पूछना चाहोगे क्या? पूछ लेता हूँ दोस्तों, जिम छोड़ के कहाँ पे आई है, और पूछती कर रही है शुगर फ्री मिलेगी क्या। शुगर फ्री मौत मिलती है बस, चाहिए अनहेल्दी बॉडी के साथ। नहीं मैं आइसक्रीम नहीं खा रही, तुम खा रहे हो। हाँ ठीक 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 दोस्तों, शक्ल देख लो मेरी आइसक्रीम खाने वाली। भैया तो ये रही आइसक्रीम, और ये रहा चट्टा आदमी, ये खा रही थी अभी, और इसने जैसे कैमरा खुलता देखा इसने नीचे रख दी। क्यों शर्म आती तुम्हें? किसके साइड रखी है वो? किसी के भी ये बीच में रखी है। नहीं किसके साइड? इसके मुंह पे लगी होगी अभी, बल्कि झूठी कहेगी। यार तुम तो कैमरा पास करके मत दिखा, उनको मेरी स्किन दिख जाएगी। तो स्किन में क्या, तुम्हें कीड़े लगे? स्किन कितनी अच्छी है मेरी। खा लो आइसक्रीम खा लो। नहीं मैं कहाँ खा रही हूँ, तुम खा रहे हो। जीभ दिखाना, जीभ दिखाना। हाँ चाट लो पहले पूरी जीभ अच्छे से, जीभ दिखाओ। पागल हो क्या ऐसे? जीभ दिखाओ। रुको तो चॉकलेट रखी है ना, क्योंकि जीभ नहीं इतनी जल्दी जल्दी, पता है ये भी नहीं कि सीधे रख दे, पहले दो कोल भरे मुँह में, इतनी देर मुँह में कुछ। अरे तो मैं गंदी जीभ उनको दिखाऊंगा? छी पागल हो, क्या पता खाते खाते। हाँ गंदी जीभ है उसकी, चॉकलेट है उस जीभ में, आइसक्रीम। ये देखो वापस हाथ गया था अभी, हाथ गया था अभी। ठीक है दोस्त, तो भैया की दुकान पे देखो पूरा गेम लगा हुआ है। ये रोज जमाते भैया आप आगे? कितना टाइम लगता है इसको जमाने में? भाई 2-3 घंटे तो लग ही जाते होंगे। अरे बाप रे, यही देख के तो आया मैं दूर से कि क्या बढ़िया जमा हुआ है। सभी जमाते हैं लगभग यहाँ पे, मैंने देखा है। इसको भेल पसंद नहीं है दोस्तों, नहीं तो भेल खाने वाले थे। अभी आइसक्रीम देख ली हाथ में, पता ये रखी है क्या? किससे छुपा रही हो पूरा तुम, किससे छुपा रही हो? क्यों वो लोग मेरे को सीरियसली नहीं ले? तुम बताओ ये कितनी देर में जमता होगा? 2 घंटे बोल रहे हो। हो सकता है शायद जमता हो, पर मेरे को तो नहीं लगता। बाकी कैमरा देख के टाइम बढ़ भी जाता है दोस्तों। उनको लग रहा था कि तुम वो फूड ब्लॉगर हो कि जो मैं कहीं का फूड ब्लॉगर नहीं हूँ, मैं तो ऐसे नल्ला ब्लॉगर हूँ। क्यों वो फूड ब्लॉगर नहीं हो ना, कैमरा खोल के लोग अपनी कहानी एग्जैजरेट करके बताते हैं। नहीं पर लगता भी हो, कोई भरोसा नहीं हो जी। गुड न्यूज अभी दोस्तों, लेक देख लो, रात में आता हूँ मैं आपको लेक दिखाने, काली काली भी। एक दिन अपन लोग ये चैलेंज करेंगे ऐसा बना जमाने का। ठीक है बहुत सारे कुल्हड़ लाएंगे। ओके मैगी भी तोड़ दोगी तुम आधी से ज्यादा। ये देखो दोस्तों आपके सामने ये रही आइसक्रीम, किसी आके एसी की। दोस्तों मैं तो थक गया हूँ जिंदगी से, बैठे बैठे ना हर 5 मिनट में ऐसा दिमाग में ख्याल आता है कि थक गया हूँ मैं। है कि तुम भी थक गई हो? कुछ करती ना, धरती दिन भर पड़ी रहती है अपने घर में और कहती थक गई हूँ थक गई हूँ। उनको देखो भैया कितनी मेहनत कर रहे हैं, इधर ये भैया कितनी मेहनत कर रहे हैं, तुम कर क्या रही हो जो इतनी थक रही हो? अरे तुमको क्या पता दिमाग चलाना कितना मुश्किल का काम है। पड़े पड़े रील चलाती रहती है उसमें थक जाती है। क्यों रुक जाओ, अभी मेरे को
अरे बंद काटो। क्यों क्यों? मैं गंदी दिख रही हूँ, सेटल करने दो मेरे को। ठीक है, अभी एक भैया उधर पे वो कप को हाथ लगा के पूछ रहे थे कि ये कप कितने का है। भैया ने बोला हाथ मत लगाओ, गिर सोचो अगर गिर जाता दम 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 दम। अरे नहीं भाई, बहुत और इतने सारे वो टूट जाएंगे ना, नुकसान की तरह है। खतरों के खिलाड़ी है, अब कर लिए बाल जमा लिए। यार लड़कियों के साथ बड़ी परेशानी है जिंदगी में। देखो मेरे बाल देखो, कोई फर्क नहीं पड़ता। कितनी महंगी चाहिए तुम्हें? पूरा वो भांडा भर के दे दो तुम मेरे। 0.5x पे है ना। अरे और लाइट भी ज्यादा पास से अच्छी आ रही है भाई। लाइट मेरे यहाँ है भाई, मेरी अंधी हो जाऊंगी मैं तो। यही यही चाह रहा की स्पेलिंग बताओ। पढ़ी लिखी है दोस्तों, पढ़ी लिखी है। क्या बात है, इतने पढ़ी हुई है। अच्छा देखो दोस्तों, मेरी लग तो सुंदर है। क्या डाला है पूर्वा इसके ऊपर? ये है, ये सफेद सफेद क्या है वो होता है? गरी मतलब वो हाँ चीज बोलते हैं दोस्तों इसको। और इससे फैट बढ़ता है, ऐसे मोटे मुस्टंडे लोग खाते हैं इसको तभी और तगड़े होते हैं। अरे यार तुम पता ही इतना झूठ बोल रहा है। हाँ हाँ ठीक है, मेरे पे सारा ब्लेम डाल रहा है। मैं दो चम्मच खाती थी, ऑर्डर मैंने करा इसको। चीज नहीं बोलते, मेरा तो कुछ होता नहीं है। इसका क्या पता क्या क्या हो जाएगा। इसने ऑर्डर किया इसको खानी थी, मैं दो चम्मच खाऊंगी, तीन चम्मच खाएगा। ठीक ओके ठीक खा लो प्यास लग रही है मेरे को, पानी पीने। खून पी लो ना मेरा। नहीं यार टेस्टी चीजें पीती हो सिर्फ। हाँ ठीक है, बहुत गंदा है खून। ओके ओके, पिया इसने दोस्तों, इसीलिए तो पता है इसको। गलत इंसान से पंगा लेती है। इन्हीं हरकतों की वजह से लोग मुझे बोलते हैं आप चले जाओ। तुम क्या बोलती हो, जाना चाहिए मुझे? नहीं तुम झेल नहीं पाओगे, मुझे बड़ा कमजोर समझती आ रही है। मैं बगल में जाती। हाँ तो मतलब तेज आवाज मेरे को ज्यादा सहन नहीं होती ना, कार में गूंजती है ऐसी बात है। हाँ, तो मतलब कमजोर समझती यार मुझे इसको। एक आध दिन बताना पड़ेगा। क्या बबलू भाई, खाओ खाओ। 12 रुपए की मैगी और ये रही 70 रुपए की मैगी। चलो इतना महंगाई है, कोई महंगाई नहीं, कैसे सरवाइव करेंगे हम जैसे गरीब लोग। काश अच्छे स्कूल में पढ़ लेते, बस स्कूल ही चेंज नहीं करते। तुमने अच्छे स्कूल में पढ़ के क्या कर लिया बताओ? मैंने अपनी पर्सनालिटी डेवलप। ओह माय गॉड, चलो 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 अपनी मैगी उठाओ और चलते बनो। यार कैमरा बंद करो यार, लंगड़ी हुई है। ठीक है चल के बताओ, थोड़ा सा लंगड़ी। बिल्कुल नहीं। ठीक है बंद कर दिया, बंद कर दिया। जैसे मैं अंधी हूँ। चलो 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 ना यार, तुम इतनी नखरे क्यों कर रही हो? जल्दी चलो जल्दी चलो, नहीं तो वो कचरे की पन्नी है ना उसमें भर दूंगा तुम्हें। मेरे को उठा लो, गिर मत जाना, तुम गिर मत जाना। सेम वेट है। हाँ ठीक है चलो 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 ना। अरे यार ये एंबैरेस्ड मत करो। चलो चलो देखो मैं भी चल रहा हूँ। चलो आ मार दिया दोस्तों, ऐसी चल रही है दोस्तों। लंगड़ी है, लंगड़ी लंगड़ी कहीं की। अपन तो बट में चलते ना, बट नहीं जाती, पैर टूट जाए भले ही। मेरे तो आज ही लेग्स लगने थे ना, गोटी मार ली, अब कल लेग्स लगाएंगे। फिर मैं भी ऐसे ही चलूंगा। या उनके वो ग्लास जमाने में ज्यादा मेहनत कर रहे हैं, मैगी बनाने में कम कर रहे हैं। मैगी का मसाला कच्चा रह गया उनका। क्यों मसाला कच्चा? ऐसा लग रहा है मैगी चूरा करके डाली है। मुंह में से पता नहीं क्या लग रहा है कि क्या खा रहे हैं। थोड़ी अजीब सी मैगी है ये। हाँ। तो दोस्तों भैया के यहाँ खा लेना, खाने में कोई दिक्कत नहीं, बस उनसे बोल देना कि थोड़ा अच्छे से पकाना भैया, कच्चा मसाला मत रखना। दोस्तों फिर से आ गए हॉस्पिटल में सामान पानी लेके। आज तो ये ब्रेड मिल गया मुझे, बचपन में खाता था मैं, मेरे को दोबारा मिल नहीं रहा था। इतना सारा सर्फ एक्सल मंगाया, क्या पता क्यों मम्मी ने घर से मंगाया था वैसे, पर मैं घर से लाना भूल गया तो मैंने दुकान से खरीद लिया बीच में। अब चलते हैं ऊपर, देखते हैं क्या हो रहा है। और नीचे जितने लोग बैठे थे सब मुझे ऐसे देख रहे थे कि मैं क्या होता, मम्मी के घुसाऊँ हॉस्पिटल में। पर ठीक है, धीरे धीरे जो थोड़ी बहुत भी सोशल एंजाइटी है उसको ऐसे ही ख़त्म कर देंगे दोस्तों। जिस चीज़ से डर लगे वही करो। मेरे को अंधेरे में अगर सोने से डर लगेगा तो मैं अंधेरे में ही सोऊंगा, छत से कूदने में डर लगेगा तो छत से नहीं कूदूंगा क्योंकि मर जाऊंगा। हेलो भाई साहब। हेलो, सो जाते हैं क्या भाई साहब आप? हेलो, आपका सामान। ये डब्बा यहाँ यूज करोगी क्या? ये केक बचपन में खाते थे, याद है पीला वाला? सर्फ एक्सेल लेने गया वहाँ दिखा मुझे तो याद आ गया मुझे। हाँ बहन जब पैदा हुई थी तुमने मिठाई बांटी, मैं पैदा हुआ जब क्यों नहीं बांटी? पापा हॉस्पिटल में थे तो मिठाई नहीं बांटी। बांटी थी आगे? नहीं बांटी, तुमने कुछ बोला था नहीं बांटी। नहीं क्यों पापा, मिठाई बांटी थी शायद, देखा नहीं बांटी तुमने मिठाई। तुम्हें मेरे पैदा होने पे खुशी हुई हुई थी कि नहीं? क्या? क्यों कि रो रहे थे सब, क्या हो गया ये, बाप रे क्यों हो गया, क्यों नहीं रहे? क्या दोस्तों इनके घर में दुख का आलम हो गया था। ची ची ये क्या हो गया, बाप रे क्यों
तुम खुशी नहीं हुई थी तो तू हुआ तो जब तो मिठाई क्यों नहीं बटी, मिठाई क्यों नहीं बटी बताओ, तो पैसे क्यों बचाए? मिठाई खाने वाला वहाँ कोई था ही नहीं मोहल्ले में, कोई पहचान कहीं नहीं था हमारे जब। अच्छा? हम नए नए गए थे वहाँ, है ना रानी? ठीक है। और दोस्तों कोई ने बोला भी नहीं, किसी को पता भी नहीं, जब मैं नहीं दिखी, जब पूछा एक दो औरत ने की वो रजनी की मम्मी नहीं दिख रही, जब उन्होंने बोला की वो लड़का हो गया। देखा दोस्तों, चुपके से पैदा हो गया था, मैं किसी को पता ही नहीं चला कि मैं पैदा हो रहा हूँ। और जब मैं मेरा बच्चा पैदा होगा, वैसे तो बच्चे बच्चों की उलझन पालने में इंटरेस्टेड नहीं हूँ मैं। दुबे जी और भुआ दुबे थे का जीजी गई। अच्छा, ईशु की मम्मी पापा? जीजा नहीं गया, जीजी गई थी बेचारी। हमारे पापा की एक बहन थी बनाई हुई, जिनको पापा ने बहन बनाया था, उनने बहुत ज्यादा इन लोगों की सेवा करी है। जब ये लोग शुरू में 15 दिन तक बिचारी ने पूरी लेटरिन के कपड़े तेरे मेरे कपड़े सब धोती थी। क्या बात, खाना बनाती, झाड़ू पोछा सब काम करती थी। यही यही दोस्तों, ये असली वो होती है बहन भाई चारा। उसके आज के जमाने में तो सगे बहन भाई नहीं दिख रहे। क्या वो है ना, उसका कहना था कि अगर मैं रहूंगी तो मैं अकेली, अगर मेरे अलावा कोई यहाँ भग जाती थी। अच्छा, कोई देखने आता था? जैसे अपने घर पर रह रही, हाँ, काम कर रही अपना, हाँ, हाँ, और जैसे कोई जैसे गांव से कोई आया कि हम भी रुकेंगे, हाँ, तो चली जाती थी, फिर नहीं रुकती थी। क्या बात है। बाकी दोस्तों, मेरे बच्चे पे आते हैं हम दोबारा। वैसे तो मैं इंटरेस्टेड नहीं हूँ बच्चों की झंझट पालने में, पर अगर मैंने कभी बच्चे किए तो इतनी मिठाई बांटूंगा कि बेचारों को बड़े होके सवाल ना पूछना पड़े मुझसे कि मैं पैदा हुआ तो मिठाई क्यों नहीं बांटी। कोई पहचाना मोहल्ले में? मैं बांटूंगा दोस्तों काला जामुन, ठीक है, और रसमलाई, एक काला जामुन और एक रसमलाई, ठीक है, मम्मी तुम्हें भी खिलाऊंगा। तो तू हुआ था जब, कोई को पता है क्या मोहल्ले में पहचान नहीं थी, कौन के घर देने जा? तो मिठाई बांटते इसीलिए तो कि बताते कि हमारे घर तो होनहार लड़का हुआ है। एक एक घर बच्चा होता ना तो खाते नहीं। अच्छा, हाँ, कि हम सुधर का वो 10 दिन 12 दिन नहीं खाते, ये 1 महीने नहीं खाते। ठीक है, तो दोस्तों ऐसा कुछ नियम रहा था, बहन के टाइम नहीं था, क्या पता क्यों। बहन तुम्हारा थी ना? कहाँ? गाँव में। अच्छा, गाँव में खा लेते हैं? गाँव में खा लेते हैं। पापा यहाँ थे तो यहाँ खा लिया हमने, और वहाँ सब मोहल्ले पहचानते थे, तो पापा से बोला अरे लड़की हुई तुम मिठाई नहीं खिला रहे। अच्छा, बोल के खिलाई? हाँ। तो ठीक है दोस्तों, तो इन्हें मर्जी से बहन के हमें भी नहीं खिलाई, उसके लिए भी बोलना पड़ा लोगों को। सुन रही है तू? ज्यादा खुश मत हो ना कि तेरे लिए मिठाई बटी, मेरे लिए नहीं बटी। मेरी बहन ब्लॉग देखती है दोस्तों, तो उससे डायरेक्ट बात भी कर लेता हूँ मैं कभी कभी। चलो, तो ये क्लियर हो गया अपना आज टॉपिक, कोई भेदभाव नहीं हुआ मेरे साथ। क्या बहन का सस्पेंस? बहन का सस्पेंस बाद में बताएंगे कि ऐसी क्या मजबूरी आन पड़ी थी कि मिठाई बांटनी पड़ी। सामान पकड़ा दिया है, दवाई की पर्ची मिल गई है, अब चलते हैं। ठीक है भाई साहब, और पोजा फोन लगा देना। ठीक है भाई साहब, जा रहे हैं। ठीक है, 10 बजे रात को निकल रहा हूँ दोस्तों। आराम से जाना। ओके मम्मी, 10 बजे इनके पास आता था पहले, अब 10 बजे इनके पास से जाता हूँ। घर पे तो आ गया दोस्तों, पर समझ नहीं आ रहा चावल कम है, दाल ज्यादा है, और चावल बना लूं क्या, या फिर मेरे फ्रीजर में ये अनहेल्दी सा माल पानी रखा है, इसको बना के खा लूं क्या। आलू टिक्की, मेरे को ये आलू टिक्की बड़ी पसंद है दोस्तों, क्या पता क्यों। फ्रिज में आइसक्रीम भी है, लपेट लूं कौन सी, ये राजभोग, ये तो टेस्टी होती है, क्या बात है, राजभोग खाएंगे। तो अभी देखता हूँ आगे का प्लान, बताता हूँ आलू टिक्की तलूंगा तो। यार मैं तो कभी कभी बड़ा टेंशन में हो जाता हूँ कि व्लॉग में क्या थंबनेल डालूं, कुछ हुआ तो है ही नहीं दिन भर, थंबनेल में क्या डाल दूं, कल बूट डाल दिया था, अब तो इससे एक दिन पहले तो शायद Q&A आ गया होगा, अगर मैंने आलस नहीं की होगी। 3 दिन से मना रखा है, एडिट ही नहीं कर रहा हूं। आलसी हूं ना, एक नंबर का निखट्टू, एनर्जी भी नहीं बची जिंदगी में, जिम जाने के लिए ताकत नहीं है, कर क्या रहा हूं जिंदगी के साथ में। चलो मेरे चावल गर्म हो गए, खाना खा लेते हैं, ये सब बाद में सोचूंगा। दोस्तों आइसक्रीम खा के तो मजा ही आ गया, मेरे को उम्मीद नहीं थी आइसक्रीम खा के इतना अच्छा लगेगा, बड़ा अच्छा लगा, मीठा मीठा राजभोग आइसक्रीम खाता हूँ। राजा महाराजाओं के खानदान से तो नहीं हूँ, पर राजभोग आइसक्रीम खा लेता। अभी मैं सोच रहा हूँ आलू टिक्की तल लेता हूँ यार, अच्छी लगेगी, तल लेता हूँ। आलस के हाथों मजबूर कुछ तला ना भुना, 10:30 बजे चल गए सोने, टाटा बाय बाय, गुड नाइट, धन्यवाद।